इंदौर के चंदन नगर चौराहे पर रविवार रात हिंदूवादी संगठनों ने 3 घंटे से अधिक तक चक्का जाम कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने सड़क के एक साइड से दोनों तरफ के ट्रैफिक चालू रखा। हिंदूवादियों ने सोमवार को राजबाड़ा पर प्रदर्शन करने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस अफसरों ने दोषी पुलिस कर्मियों और आरोपियों पर कार्रवाई के लिए 24 घंटे का समय मांगा, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। रात करीब 11 बजे के बाद हिंदूवादी सड़क से हटे। मामला चंदन नगर चौराहे का है, जहां सैकड़ों हिंदूवादियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, 3 घंटे तक सड़क पर बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बताया जाता है कि एक हिंदू पर मुस्लिम युवक द्वारा धर्मांतरण का दबाव बनाने के चलते हिंदूवादी उसे लेकर थाने पहुंचे थे। यहां पुलिस कर्मियों ने हिंदूवादियों के साथ अभद्रता की, जिसके बाद बात बढ़ गई। हिंदूवादियों ने आरोप लगाया कि बयान दर्ज करने के दौरान पुलिसकर्मी उसे डांटने लगे और बयान बदलने को कहा। जब थाने के बाहर खड़े बजरंगियों को इस बात की भनक लगी तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस जवानों से चर्चा की। उनमें से कुछ पुलिस कर्मियों ने बजरंग दल कार्यकर्ता चंद्रेश लोधी, ईश्वर प्रजापत और अन्य बजरंगियों को अपशब्द कह दिए। मामले की जानकारी विभाग संगठन मंत्री अभिषेक उदेनिया और बजरंग दल इंदौर विभाग संयोजक तन्नू शर्मा को लगी। इस पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए रात 8 बजे चंदन चौराहे पर सड़क पर बैठकर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और महिला पुलिसकर्मी कविता एसआई देवेंद्र मिश्रा सहित 2 अन्य पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की।